हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब? अच्छे होंगे दोस्तों। सुहाने मौसम में और ये ग्रीन ग्रीन प्लांट्स कितना सुकून देते हैं दोस्तों, ये तो सभी को पता है और बड़ा सुकून मिलता है। और मैं छत पे आती हूँ, कुछ ना कुछ काम देख लेती हूँ प्लांट्स का, क्योंकि गर्मियों में तो मन नहीं लगता इतना। तो ये दो वेल हैं, आलमंडा की हैं और एक का नाम शायद मुशंडा है, जो भी हो नाम तो मुझे याद नहीं रहते। दोस्तों इन बेलों को मैं सोच रही हूँ ये गेट के सामने, मतलब यहाँ पे इसके नीचे मैं इसको सेट कर दूँ। कर दिया है आपको मैंने वीडियो, तो बाद में बनाया क्योंकि खुद ही करना होता है, और सीढ़ी की हेल्प ली है मैंने और अच्छे से इसको बांध दिया है। एक बेल में दोस्तों वाइट कलर का फूल आता है और एक में येलो। वाइट वाला तो टिकाऊ भी है, दो तीन दिन रुकता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें रस्सी बांध दी है इस सीढ़ी पे हेल्प लेके, और बस दिल ही नहीं करता कि मैं टेरेस से नीचे जाऊं। और थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड किया है छत को इस टाइम, तो और भी अच्छा लगता है। और दोस्तों इसमें मैंने सारी पत्तियाँ जो तोड़ती हूँ वो मैं इसमें इकट्ठी कर रही हूँ। ये मैंने अपना कुछ पपीते का फालतू का निकाला है कचरा, मतलब कई प्लांट हो गए थे तो एक दो स्टेम मैंने, इसकी तीन स्टेम रखी हैं बाकी हटा दी। इसमें मैं कचरा इकट्ठा करती रहती हूँ, ये खाद बन जाएगी। और दोस्तों ये सारा कचरा इसमें बीन बीन के ढूंढ ढूंढ के कचरा इकट्ठा, इससे दो काम हो जाते हैं हमारे, एक तो छत भी साफ़ हो जाती है और कचरा भी, मतलब ज़्यादा कचरे वाले को नहीं देना पड़ता और हमारी खाद भी रेडी हो जाती है दोस्तों। तो हुआ ना एक पंथ दो काज। अब तो मैंने स्टैंड भी लगा लिए हैं, आराम से बढ़िया झाड़ू निकालो। पहले वो छोटे वाले तीन टांगों वाले, एक गमले पे तीन टांगों वाले स्टैंड थे, तो मतलब मज़ा नहीं आता था झाड़ू निकालने में। अब मैं आराम से इसके नीचे लंबी लंबी झाड़ू मार के अपना निकाल सकती हूँ। और इस डिब्बे में मैंने सारा कचरा भर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला के और इसको ढाँक के रख देती हूँ। और देखते हैं, मैंने कभी बनाई नहीं है कंपोस्ट से, मतलब खाद ट्राई कर रही हूँ, बनता है या नहीं बनता है देखते हैं। और वैसे मैं डायरेक्ट किसी भी गमले में नीचे भर देती हूँ, ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ, और ये कुछ तो कंपोस्ट हो ही जाएगी। अच्छी खाद नहीं बनेगी तो फिर भी फेंकने से अच्छा है मैं इसमें इकट्ठा कर लूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और भी मटेरियल डाल देती हूँ, जैसे मिट्टी है, थोड़ी कंपोस्ट भी डाल देती हूँ इसी तरह से। देखिए दोस्तों कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, और बड़ा ही सुहाना मौसम, मतलब दिल ही नहीं करता है। और इस टाइम फूल बहुत आ रहे हैं दोस्तों, पता नहीं क्यों, मौसम अच्छा है तो ये भी खुश हैं, शायद अपनी खुशी का इजहार दिखाते हैं। और दोस्तों ये देखिए, मैं थोड़ी सी इसमें नीम खली और थोड़ा सा मोरन मिट्टी ये सब इसी में डाल दूँगी। और दोस्तों देखिए बूंदें फिर आ गई हैं, कुछ टाइम पहले बारिश हुई थी, और मैं इसमें डाल दूँगी। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर अच्छी लगे तो कीजिए, वरना कोई बात नहीं, हम लोगों का भी मोटिवेशन होता है, अच्छा लगता है। और मेहनत तो मैं वैसे ही करती हूँ, मुझे तो शौक़ है, आप लोगों के साथ बस शेयर कर लेती हूँ। और दोस्तों ये मैंने इसको बंद कर दिया, ये मेरा स्टोर रूम टाइप का है, मतलब बाथरूम है, यूज नहीं होता ये टेरेस पे, तो इसी में मैं अपना सब कचरा रखती हूँ, मतलब खाद पानी का जो भी है। और दोस्तों बारिश बहुत तेज़ हो गई, देखिए मतलब दो मिनट के अंदर पूरा टेरेस गीला हो गया है, और कितना अच्छा लग रहा है। ये दोस्तों देखिए ग्रीन ग्रीन कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरा नींबू का प्लांट्स है, इसमें इतने नींबू आए हैं और गिर जाते हैं। और दोस्तों देखिए मैं छाता लेके घूमने लग गई हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको भी? अगर वीडियो अच्छा लगता हो, मेरी ग्रीनरी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।